भाभी का फोन आया। करुणा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये सब ठीक नहीं हो रहा। हमें इस पुलिस केस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। क्यों नहीं पड़ना चाहिए था? क्यों नहीं पड़ना चाहिए था? 12 साल पहले हमने जो कुछ भी बर्दाश्त किया, क्या वो फिर से सहन कर लेते? पर मानसी जी, हमने सिर्फ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। अब जो कुछ भी हो रहा है वो कानून कर रहा है। अब ये बदकिस्मती है कि करुणा जी को जेल हो गई और उनके साथ में ये हादसा हो गया। पर वो सब कुछ कानून के मुताबिक रहा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब कानून का नहीं, हमारा किया धरा है। शौर्य ने हमसे भैया भाभी को छीन लिया और अगर हम उससे उसकी माँ को छीन लेते तो उसमें और हमें फर्क क्या रहेगा? बोलो। शर्मा, बचा के रखो अपने नासूर को, क्योंकि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं कितना बुरा बन सकता हूं, ये तुम्हें देखने को मिलेगा। तब जरूरत पड़ेगी तुम्हें नाश होगी। मेरा यकीन करो, मैं ये जो कुछ भी हो रहा है वो होते नहीं देखना चाहती थी। मैं तो खुद केस वापस लेने जा रही थी ना। अरे मुझे सब जाने का मौका तो दो। मौका दो तुमको ताकि एक और खंजर तुम मेरी पीठ मार सको। पिछले एक हफ्ते से तुमसे मौका मांगते मांगते थक चुका हूं मैं। तुम्हारे सामने हाथ जोड़े कभी गिड़गिड़ाया, कभी नाक रगड़ी, और तुम्हें एक रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा। जो गलती मुझसे 12 साल पहले अनजाने में हुई थी उसको अपना गुनाह मानकर मैं किसी भी तरह की सजा काटने को तैयार था। लेकिन नहीं, सिर्फ मुझे सजा देना काफी नहीं था आप लोगों के लिए। इसलिए मेरी मां को भी घसीटना है। मेरी मां जिसकी कोई गलती नहीं थी, जो सिर्फ अपने बेटे को बचा रही थी, वो बेटा जो उनका अपना सगा बेटा भी नहीं है, और आज उस बेटे की वजह से सिर्फ मेरे लिए आज वो हॉस्पिटल में है। अब तो बहुत खुश होंगे ना आप लोग, चैन मिल गया आप लोगों को, है ना? पहले मेरी मां को जेल भेजकर और अब मौत के मुंह भेजकर। अरे हो गया इंसान आपके साथ, मिल गई आपको तसल्ली। तुम्हारे मां बाप को छीना था ना, तो तुम लोगों ने क्या किया? तो तुम लोगों ने मुझसे मेरी मां छीन। अरे हो गया हिसाब बराबर, वो क्या कहते हैं टिट फॉर टैट, है ना? अरे जीत गए आप शर्मा परिवार, जीत गए आप लोग, मिल गए आपको इंसाफ। अब तो बहुत कुछ है ना आप लोग। बजाओ ताली, अरे बजाओ ताली, बजाओ बजाओ ताली बजाओ।
क्या कहता है कि मुझे चाहकर भी कभी माफ नहीं कर सकती। मैं तुमको और तुम्हारे घर वालों को कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी मां को मौत के मुंह भेजकर आप लोगों ने ठीक नहीं किया। अब तक तुम लोगों के साथ मैंने अपना प्यार निभाया है, और अब सिर्फ नफरत निभाऊंगा। शायद यही हमारी किस्मत में लिखा है। मेरी माँ यानी रहेगी। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं, अरे बात कर ली कमिश्नर साहब से, मैं अपनी माँ को घर लेके जा रहा हूँ। लेकिन वो अभी वेंटिलेटर पर है। आपके अस्पताल से बेहतर है हमारे लल्ला का घर। सच्ची कहें, जो सुविधा चाहिए होगी हमारे लल्ला घर ले आएगा, और हमारी जिज्जी की जितनी देखभाल घर में हो सकती है ना, यहाँ नहीं हो पाएगी। अन्ना साहब, आप इनको घर तो ले जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये हाउस अरेस्ट में है, और अगर आपने इनको इस देश से बाहर भेजने की कोशिश करी तो बुरा होगा आपके लिए। अरे जितना बुरा मेरी माँ के साथ आपकी पुलिस कस्टडी में हुआ, उससे बुरा क्या होगा। तुम लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करो। आता होगा फोन तुम्हें अभी कमिश्नर का, मेरे घर के बाहर पहरा देने के लिए। ठीक है, उस सारी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दे, मैं माँ को लेकर घर जा रहा हूँ। और विकी, घर वालों के अलावा मां के आसपास कोई भी दिखना नहीं चाहिए। कोई भी सच्चाई सामने आ गई। एक बात अच्छी थी, सौर और महक के बीच नफरत अड़क उठी। और अगर ये नफरत यूं ही सुलगती रहेगी तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। चौड़े का गुस्सा महक और उसकी फैमिली को जला देगा। लेकिन ना, बस एक काम करना होगा। ये काम करना होगा डार्लिंग, आराम से बैठकर ताली बजाते हुए बस तमाशा देखना है। तो इस बात पे लाओ हाथ, बजाओ ताली। दिमाग ठीक है कि नहीं आप लोगों का? हद हो गई, महक का घर ये है,
ये है उसका परिवार, वो उस घर की कुछ नहीं लगती, और फिर भी आप लोगों ने उसे वहां जाने की इजाजत दे कैसे दी? एक तरफ तो हम उन लोगों के ऊपर केस कर रहे हैं, पर आप खन्ना फैमिली के साथ में रिश्तेदारी निभा रहे हैं। अरे मैंने इजाजत दी थी उसे जाने की। महक अब बच्ची नहीं है, जिम्मेदार लड़की है, अपने फैसले वो खुद ले सकती है। और उस घर में आखिर उसकी शादी हुई है, ससुराल है उसका। मैं नहीं मानता इस शादी को। ये शादी नहीं है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, हर उस रिश्ते की तरह जो हम शौर्य फैमिली से रखते आए। महक शर्मा, तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। डॉक्टर जयेश आइए। जयेश, माँ कब तक ठीक हो जाएगी? क्या मैं माँ को बाहर लेके जा सकता हूँ? यूके, यूएस? इस बारे में मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, बस इतना ही कहूंगा कि आप सबको मिलकर हिम्मत से काम लेना। वेंटिलेटर पे कुछ लोग कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं और कुछ लोग कभी नहीं आते। बाकी इनको दवाई देते रहिएगा और मॉनिटर वॉच करते रहिए। हम सब हैं इनका ख्याल रखने के लिए। जाके डॉक्टर जयेश को सी ऑफ करके आओ। तुम यहां फिर आ गई? हमारे घर का पीछा क्यों नहीं छोड़ती तुम? शौर्य प्लीज, प्लीज मुझे माँ के पास रुकने दो, प्लीज मुझे उनकी देखभाल करने दो, प्लीज। क्यों इतना सब करके दिल नहीं भरा तुम्हारा? तुम्हें ने मुझसे कहा था ना कि जो मैंने तुम्हारे माँ बाप के साथ किया, अगर वही चीज मेरे माँ बाप के साथ होती तो मुझे कैसा लगता? देखो हो गया मेरी माँ के साथ, मिल गया तुम्हें चैन, खुश हो तुम, अब पड़ी हुआ बिस्तर पर होगी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। अब अपनी झूठी हमदर्दी बंद करो और अपने मिलकर सामने लेकर दफा हो जाते। तुम क्या हो मैं अच्छी तरह समझ गया। अरे माँ पे ध्यान देना चाहिए, समझने की कोशिश करो कि मैं माँ के बारे में सोच रहा हूँ। रिपोर्ट लिखवाते हुए सोचा था मेरी माँ के बारे में, उससे बदले की आग उनका क्या हो, इसका कुछ ख्याल था तुमको? नहीं ना, तुम फिक्र करना बंद, मैं हूं उनका ध्यान रखने के लिए, तुम बाहर वाले हो, वही रहो।
तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत सब जायज है, वो शक में भी जायज है जो तुमने मुझे दिया। लेकिन इस वक्त मुझे माँ के पास रहने दो शौर्य, प्लीज। वो औरत जिसको तुम अपनी माँ कह रही हो ना, आज तुम्हारी वजह से जिंदगी और मौत के बीच में। अरे तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और तुमने क्या किया, तुमने अपनी फैमिली के साथ मिलकर उन्हें कोमा में धकेल दिया। किसके लिए किया ये सब, किसके लिए किया? उससे 12 साल पहले जो अनजाने में गलती हुई उसका सबक सिखाने के लिए। अरे महक शर्मा, मैं तब एक बच्चा था, अपनी गलती की सजा काटने को तैयार था, लेकिन नहीं, तुम लोग तो बहुत समझदार थे ना, तो क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा, क्यों किया? उस औरत को ना अपने बेटे की गलतियां छुपाने की सजा मिली। अरे वो बेटा जिसने उसकी कोख से जन्म तक नहीं लिया। मैं, तुम जाओ यहां से, मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता। मैंने कहा जाओ यहां से, तुमसे बात करना नहीं चाहता, जाओ। शौर्य, जाने, जाना। जिसको तुम अपनी माँ कह रही हो ना, आज तुम्हारी वजह से जिंदगी और मौत के बीच में, और तुमने क्या किया, तुमने अपनी फैमिली के साथ मिलकर उन्हें कोमा में धकेल दिया। उस औरत को ना अपने बेटे की गलतियां छुपाने की सजा मिली। अरे वो बेटा जिसने उसकी कोख से जन्म तक नहीं लिया। उनकी फिक्र करना बंद, मैं हूं उनका ध्यान रखने के लिए। तुम बाहर बने, वही रहो। सामने बैजा तक दी जावा, अखियां च तेरे गुम हो जावा, मैनू ढूंढे ना फिर कोई, मंगा यही दुआवा मैं, चन्ना तू मैनू मिल जा, तैनू ना बोल। महक वापस आ रही है, शौर्य ने उसको घर पे नहीं आने दिया। खो गई तसल्ली, बह गई कलेजे नू ठंड। और भेजो बेटी को उसके ससुराल, करवाओ अपनी बेइज्जत। मैं पहले से ही जानता था कि यही होने वाला। अब प्लीज, अब अगर आप लोगों को जरा सी भी अकल आ गई हो तो ये डिवोर्स के पेपर साइन करवाओ महक से, और छुटकारा पाओ उस शौर्य खन्ना से। रवि, ऐसी बातें कर रहा है तू? उधर करुणा जी की जान पर बनाई, इधर तू डिवोर्स पेपर लेकर आ गया। हर चीज का वक्त होता है। तो आप क्या चाहते हो भाभी, हम उन लोगों के साथ में रिश्तेदारी निभाएं? करुणा जी का हालचाल पूछने के लिए उनके घर जाएं क्या? उनकी सेवा तीमारदारी करें और जब वो ठीक हो जाएं तब उनके सामने उनकी खुशी से डिवोर्स करवाएं?
अब डाइवोर्स लेना है या नहीं, इसका फैसला महक लेगी। और अगर उसे डाइवोर्स चाहिए तो हम सब उसका साथ देंगे।